हेलो गाइस, दिस इज आर एंड यू आर वाचिंग आवर ब्लॉग। तो चलिए बिना बकबक के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आज आए हैं तेजपुर ब्रिज के नीचे। मतलब पहले तो हम उस पार ब्रिज के नीचे जाते थे, पर आज हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मतलब पिकनिक का जो मॉल है वो बन रहा है धीरे धीरे। तो आज है मतलब 24 दिसंबर। अब से ही मतलब यहाँ पर भीड़ जमा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग आया हुआ है पिकनिक मनाने के लिए, देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, और हम हैं ठीक ब्रिज के नीचे। यहाँ पर हम मतलब थोड़ा सा फोटोशूट कर रहे थे, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए हैं यहाँ पर। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, पर यहाँ पर जो फोटोशूट है मतलब सन का जो रिफ्लेक्ट है वो हमारे फेस पे पड़ता है, तो यहाँ पर फोटो इतना अच्छा नहीं आता। पर यहाँ पर भीड़ को देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर देखिए, सब लोग पिकनिक मना रहे हैं। और यहाँ पर नदी है, देख सकते हैं नदी बह रहा है, और ये है ब्रिज। तो आज संडे, इसलिए हम घर से निकल के आए हैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। पहले तो प्लान था कि हम आज जाके मूवी देखेंगे, पर थोड़ा लेट हो गया इसलिए नहीं जा पाए। तो हम मूवी बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज हम यहाँ पर कुछ रील्स बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रील शूट करेंगे जितना हो सके। और आप भी यहाँ पर जो रील्स हम बनाएंगे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, एक दो हम एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखते रहिए गाइस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये नाव, मतलब हम यहाँ पर नाव पे चढ़ गए हैं। ये जो नाव है मतलब वो आइलैंड से होके गुजरता है। यहाँ पर पूरा सीट फुल होने के बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं, वो जो यहाँ पर देख सकते हैं आइलैंड है, इसके पास से गुजर के आएगा। और इसका कॉस्ट आप लोगों को 250 पड़ेगा पर पर्सन। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम इस जगह पे मतलब रूलिंग बनआउट कर रहे थे, और यहाँ पर और एक भाई मिल गया। तो KTM ड्यूक 250 लेके 250 ना सॉरी 200 लेके मतलब यहाँ पर दोनों बाइक एक साथ मतलब रूलिंग बनआउट मार रहे थे। अभी हम जा रहे हैं हुली मारने के लिए, मतलब वो भाई मारेगा हुली और वहाँ पर रोड पे जाएंगे हम वहाँ पर। तो देखते रहिए वीडियो को। तो अभी हम जा रहे हैं उस रास्ते में। अभी रास्ते पे, और इसी रास्ते पे मतलब होली मारने वाले हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। तो गाइस देख सकते हैं भाई पूरा रेडी है अभी होली मारने के लिए। तो देखते हैं भाई का होली रेडी। तो फिर से मारने वाले हैं। ओह शिट, तो नहीं हुआ। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। और एक बार ट्राई करो भाई।
बढ़िया था, ये बढ़िया था। ओ भाई साहब गजब गजब बढ़िया। तो गाइस अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ हुली, तो देखते रहिए वीडियो को, देखते हैं मतलब कैसा होता है हुली। बहुत दिन से तो हुली नहीं मरा है, तो अभी ट्राई करेंगे। बहुत दिन हो गया हुली मरना, तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो गाइस बाइक के मतलब बाइक से हुली मारा था, इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि मुझे थोड़ा पावर कम लगा इस बाइक में, और बाइक के हिसाब से मतलब इस बाइक में उसके लिए काफ़ी है पावर। तो जो भी है अच्छा लगा, और भाई को थैंक यू भाई। भाई कहाँ से हो भाई? सामगुरी। ओ भाई है सामगुरी से, और अब मैं हूँ रुपुई से। तो मतलब रुपुई नगाँव के पास में ही है, वो अलग मतलब सिटी से सही है, तो हमारे घर से मतलब थोड़े दूर है। तो हम आए थे सब लोग यहाँ पर आतेशपुर ब्रिज के नीचे। तो आज का दिन मतलब बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे साथ यहाँ पर परवेज भी आया था। तो जो भी है, तो आप लोगों को गाइस यही बताना चाहते थे, मतलब आप लोग अगर स्टंट राइडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेलमेट वगैरह जो भी सेफ्टी गियर है वो पहन के ही कीजिएगा, तो इसमें आप लोगों का खतरा नहीं रहेगा। तो आप लोगों को गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।